Vamos a bailarlo, vamos a hacerlo. It's Ricky Baker on the beat, hey. Hey guys, happy Saturday. मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सैटरडे. व्हाट डेट इज टुडे? 8th of June. और टाइम इज 6 o'clock. अब कार में कौन कौन है? कार में मैं हूँ. हियर इज माय डियर डियर हस्बैंड एंड फ्लरी. फ्लरी है फ्लरी बेबी. तो कियारा आज नहीं जा रही है हमारे साथ. वी आर टेकिंग फ्लरी आउट फॉर हेयर कट. लुक एट फ्लरीज फेस. She needs a haircut. 6:30 को अपॉइंटमेंट है. इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और हमें सुबह और भी कुछ काम के लिए निकलना पड़ेगा. आई विल टेल यू गाइज दैट वंस आई कम बैक. दैट इज़ रिगार्डिंग कियारा. तो आई विल टेल यू गाइज, डेफिनेटली आई विल टेल यू गाइज, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी ही चाहिए. आई नो दैट इन्फॉर्मेशन विल हेल्प अ लॉट ऑफ यू. तो मैं शेयर करूंगी वापस आके. बट फिलहाल फ्लरी को लेके चलते हैं ग्रूमिंग पार्लर, उसके हेयर कट करवाते हैं और हमारा भी लुक चेंज होने वाला है क्योंकि आज हम कियारा को लेके नहीं जा रहे हैं. बस तुम्हारा. तुम भी तो हेयर कट करोगे ना? हेयर कट करवाऊंगा. जो भी हो, मतलब सी, इवन इफ इट्स अ वेरी लिटिल चेंज, दैट्स अ चेंज. दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. तो हम लोग फ्लरी को ड्रॉप करके, क्योंकि अभी 6 बजे का टाइम है, 6:30 बजे ना, एक्चुअली कोई रेस्टोरेंट में जाके खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है. एंड रेस्टोरेंट इज द ओनली प्लेस और द कॉफी शॉप वेयर वी कैन सिट एंड चिट चैट. एंड आई एम नॉट अ कॉफी पर्सन, तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. इसलिए हमने सोचा कि हेयर कट करवाना था तो करवा लेते हैं. हमारे पास 2 घंटा होगा. तो वील गो टू कोरमंगला एनरिच. पहली बार हम कोरमंगला एनरिच में जाएंगे. हम एनरिच में जाते हैं बट कोरमंगला वाले नहीं. तो देखते हैं कैसे करते हैं वो लोग. एंड मैं बाल शॉर्ट करवाऊंगी. और आज अगर हमारा ऐसा हम प्लान करते ना कि वहाँ से हम कहीं पे खाना वाना खाने जाएंगे तो हाँ. वो भी फेल ही करता प्लान, क्योंकि आज लंच ही किया हमने 4 बजे. Yes. जो कुछ हुआ था तो आके बताऊंगी. हाँ, वो तो मैं आके बताऊंगी. बट प्लान कुछ और था, बट हम फाइनली लंच किए 4 बजे. 4:45 बजे हम लंच करके उठे. 4 बजे के भी बाद हमने खाना खाना बैठे थे, इसलिए आज खाने का तो कोई प्लान ही नहीं है. रात को मैंने कीमा बना के रखा है. पाव सेकूंगी और कीमा पाव खाएंगे आज हम रात को. तो उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ. पहली बार हम कीमा पाव खाएंगे ना. मतलब बाहर खाए हैं, घर में पहली बार. बट द सैडेस्ट पार्ट इज मुझे मटन कीमा नहीं मिला तो चिकन कीमा का बनाना पड़ा. मम्मा एक बार हाय तो बोल दो. ट्रैफिक भाई, इतना ट्रैफिक, माय गॉड, ये कब खत्म होगा ट्रैफिक. जिस भी रोड में घुस रही हूँ ऐसे घिस घिस के जा रहे हैं कार, चल ही नहीं रहा है. जो इस रोड में ट्रैफिक होता है ना बाप. एंड फ्लरी इज ट्राइंग टू गेट अप एंड सिट इन दिस विंडो. विंडो क्लोज है क्योंकि हम एसी ऑन करके जा रहे हैं, बट वो हमारी फ्लरी को मंजूर नहीं है. उसको धूल खाते खाते जाना ज्यादा पसंद है. अब बड़ी एक्साइटेड होके जा रही है बट ग्रूमिंग पार्लर घुसते ही फुस हो जाती है. उसको बिल्कुल पसंद नहीं है वो जगह. Lo que pasa por mi mente cuando te tengo de frente, yeah. Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente, divertirnos malamente con tu piel. Yeah, 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 yeah. Baila hasta que la noche se acabe. फ्लरी का हेयर कट तो आप लोगों ने देख ही लिया है. और आई डिड दिस हेयर कट. आई वेंट रियली शॉर्ट दिस टाइम बिकॉज मैं बहुत पर्टिकुलर थी, मुझे शॉर्ट ही करना है. इतना हेयर फॉल हो रहा था और इतना मुश्किल हो रहा है गर्मी में मेंटेन करना. और मैं ऐसे पसीना पसीना दिख रही हूँ. उसका रीज़न है ये पाव सेकने में मैं ऐसे पसीना पसीना हो गई है कीमा गर्म करने में. तो दिस इज़ आर डिनर टुनाइट. जैसे कि मैंने बताया कीमा एंड पाव.
और फ्लरी का हेयर कट तो मैंने दिखाया और फ्लरी कियारा भी साथ में सो रही है उधर. तो अभी हम डिनर कर लेते हैं, उसके बाद बात करती हूँ. आने के बाद बिल्कुल भी बात नहीं की क्योंकि वी वर सुपर टायर्ड. इतना लेट हो गया, 10 o'clock के बाद हम घर पहुँचे. ट्रैफिक मतलब इसके बाद, और सैटरडे में घर से निकल नहीं रही हूँ स्पेशली शाम को, तो उस सब चक्कर में घर पे आके इन दोनों को खाना खिलाना पड़ा. 10 बज गया था तो इसलिए मैं आने के बाद और बिल्कुल व्लॉग नहीं की. अब समझ ही सकते हो मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ. मैं खाना खा लेती, थोड़ा सा एनर्जी गेन कर लेती और फिर बात कर लेती. पीछे देखे तो पता चली गया हाउसफुल, क्योंकि आज संडे है, सबका छुट्टी है. और बेबीज आर हियर, वन इज हियर, द अदर वन इज देयर एंड दिस वन इज हियर. तो फ्लरी का हेयर कट इस बार इतना क्यूट हुआ है कि मैं तो इसको छोड़ ही नहीं पा रही हूँ. इतनी क्यूटी पाया. सो दिस टाइम वी स्पेसिफिकली टोल्ड हिम दैट फेस बॉडी से ज़्यादा रहेगा फेस में, क्योंकि बॉडी एकदम शॉर्ट है. एकदम शॉर्ट मतलब इट्स नॉट स्किन शोइंग बट येस इट्स शॉर्ट, हाफ अ इंच मे बी बॉडी का हेयर है. फेस में उससे थोड़े से ज़्यादा है. बहुत क्यूट लग रही है और वो खुद भी बहुत अच्छा फील कर रही है. और यहाँ पर है क्यू पगली, जिसको देख के कोई नहीं कहेगा कि 15 दिन पहले इसका भी हेयर कट हुआ था, इसने नहाया भी था. कोई नहीं कहेगा इसको देख के, लास्ट वीक ही शायद दिया है इसको, कोई कहेगा. और बताओ सबको तुमने क्या किया है, बताओ. तो जो बात मैं येस्टरडे करना चाहती थी, हमारे क्यू के साथ कुछ ऐसा हुआ. डे बिफोर येस्टरडे एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, बेबीज वेर डूइंग फाइन. वी वेंट आउट फॉर वॉक एज यूजुअल अराउंड 10:30-11 o'clock. वी केम बैक एंड जनरली वंस दे कम बैक फ्रॉम देयर वॉक दे गेट वेरी टायर्ड, दे जस्ट सिट एंड रेस्ट. क्यू का ऐसे भी, क्यू इज़ अनप्रेडिक्टेबल. She always had her own energy and own time, so she was roaming around the entire house just the way she does. और हम देख रहे थे TV. अचानक से क्यू started behaving crazy. We tried finding out what happened and we saw one honeybee stuck in here. So we took that out and we understood that she got bitten by that bee. The moment we took that out, it was already dead. उसको मार दिया था क्यू ने, बट आई थिंक मुंह में पकड़ लिया था, तो मरने से पहले उसने भी अपना स्टिंग डाल दिया था. तब तक हमें अच्छे से पता नहीं कि उसको बाइट किया है कि नहीं, बट वी ट्राइड टू काम हर डाउन, बट शी वॉज ऑलमोस्ट कोलैप्सिंग. शी पीड, शी पूप्ड, शी वॉज इन माई लैप एंड दैट टाइम शी पीड, शी पूप्ड and then she was completely shattered. For 15-20 minutes she was not even moving, only the eyes were open but she was not moving at all. And jab aise hota hai to sabse zyada aapko pata hai ye ghar pe kyu ke baad kaun zyada tense ho gaye the, woh main. 15-20 minute ke baad jab humne usko thoda sa petting kar ke uske baad wo uth ke pani wani pi aur we tried putting ice pack, wo usko acha lag raha tha, वो करने दे रही थी बट वो टच नहीं करने दे रही थी वो जगह. तो वी वर नॉट एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट स्पेस. हम रात को सो गए, रात को उसने उल्टी की, बेड में सुसु भी कर दी. सो दीज ऑल हैपेंड विद दिस गर्ल एंड शी वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली काम, जो उसके साथ नहीं होता है. और फिर कल सुबह हम निंशी उठने के बाद क्यों खेल रही थी, खाना भी खाई, सब कुछ हुआ. सुबह भी मैंने उसको एक बार और आइस पैक दिया. आइस पैक देने के बाद उसको थोड़ा अच्छा लगता है, शायद वो पेन थोड़ा कम हो रहा था. तो हम उसको बालकनी में एकदम प्रॉपर डे लाइट में लेके, हमें पता था यही कहीं पे हुआ है क्योंकि वो थोड़ी ऐसी ऐसी कर रही थी. हुआ था यहाँ पे, ये जो अपर लिप है उसके इस पोर्शन पे, राइट साइड पोर्शन पे.
फाइनली वी फाउंड आउट कि कहाँ पे वुंड है एंड वी सॉ द स्टिंग व्हिच वाज स्टिल इनसाइड एंड दैट वाज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट फॉर हर. उसके बाद वी स्टार्टेड ब्रीडिंग कि क्या करना चाहिए, हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं था. एंड वी फाउंड आउट कि कभी कभी ये बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं होता है, कभी कभी हो भी सकता है. तो सिंस शी वॉज नॉट प्लेइंग, शी वॉज वेरी डिजी एंड शी वॉमिटेड वंस, वी थॉट लेट्स टेक हर टू द वेट, जो हमारे कल के प्लान में बिल्कुल भी नहीं था. ऊपर से 6:30 बजे था फ्लरी का अपॉइंटमेंट. तो सेंस दैट शी हैड लॉट ऑफ पेन बिकॉज नॉर्मली एनी टॉयज आर एनीथिंग राइट, शी ड्रैग्स, शी बाइट्स, शी होल्ड्स इट टाइटली एंड शी ड्रैग्स. Yesterday she was not fighting for her toys at all. The moment you try to take it out from her mouth, she will let it go. So that it clearly shows that she had very much of an acute pain because of that sting. We called the vet around 1:30 and they said that the vet will go, Dr. Pampapathy, he is already out for the day. वो 1 बजे तक थे, फिर चले गए और संडे को नहीं आएंगे, फिर मंडे को आएंगे. जूनियर डॉक्टर है डॉक्टर चांदनी, तो उन्होंने कहा कि आप आना चाहते हो तो आ सकते हो. तो हम थोड़े से सोचे कि क्या करें, लेके जाए कि नहीं, क्योंकि हम जनरली जाते हैं तो डॉक्टर पंपावती के पास ही जाते हैं. वी नो डॉक्टर चांदनी एज वेल क्योंकि वो हमेशा असिस्ट करती है डॉक्टर को. तो फाइनली वी वेंट कि क्या करेंगे, अभी लेके जाते हैं, एटलीस्ट उसका पेन कम होना चाहिए और कुछ भी उसको शॉट्स लगना है तो वो लग जाना चाहिए, दवाई देना है तो वो हो जाना चाहिए, क्योंकि जो हम पढ़ रहे थे उससे हम थोड़े से डर गए थे. देन वी टुक हर अराउंड 2:30 और वहाँ पे जाके पहले तो उसके स्टिंग निकाला गया एंड आई विल अटैच दैट पिक्चर हियर. स्टिंग का इतना छोटा सा शार्प सा स्टिंग दैट कुड कॉज दैट मच डिस्कम्फर्ट कि कियारा चुप हो गई थी. हो गई थी, उसको पेन हो रहा था, उसके टेल्स डाउन थे हमेशा. शी वॉज इन पेन एंड शी वॉज स्केयर्ड एज वेल, शी गॉट अ पैनिक अटैक क्योंकि वो इतनी बदमाश है और हर किसी को डोमिनेट करके चलती है. आई थिंक पहली बार शी गॉट अ पैनिक अटैक कि उसको क्या हो गया है. द मोमेंट शी गॉट बिटन आई थिंक शी हैड दैट पैनिक अटैक एंड शी वॉज वेरी वेरी स्केयर्ड. वो पूरी घर में भी डर डर के घूम रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वो उसका फर्स्ट डे है हमारे घर में. उसके बाद शी गॉट 3 शॉट्स. वन वॉज पेन रिलीफ, फॉर पेन रिलीफ वो आप टैबलेट भी दे सकते हो, बट क्योंकि कल उसके यहाँ पे ऑलरेडी दर्द था, वी न्यू कि हम उसको फोर्स नहीं कर पाएंगे टैबलेट स्वॉलो करने के लिए, दैट्स वाई वी वेंट फॉर द शॉट. द अदर वन वॉज एंटी एलर्जिक एंड द थर्ड वन वॉज एंटी बैक्टीरियल. सो ये 3 शॉट्स उसको कल लगे. बेचारी इतनी सी जान है मेरी, उसको 3 शॉट्स लगे और थैंक गॉड डॉक्टर को उसने स्टिंग निकालने दिया. फिर हम घर आए क्योंकि कल बहुत शांत थी और उस चक्कर में ही मैं जो बोल रही थी, कल हम ऑलमोस्ट खाना खाए उतना लेट क्योंकि फ्लरी को लेके भी उसके बाद निकलना था और फ्लरी को हम कल डॉक्टर के पास लेके नहीं गए थे जब हम गए थे, क्योंकि हमें पता था वो फिर से बाहर जाएगी एंड ऐसे भी ग्रूमिंग इज़ क्वाइट अ हेक्टिक प्रोसेस. तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि अगर आप बैंगलोर में रहते हो या कहीं भी रहते हो, दिस हनी बी बाइट्स और इफ़ योर पेट गेट्स बिटन बाई एनी सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट, प्लीज़ डोंट इग्नोर दैट सिचुएशन और डू नॉट थिंक कि लेट्स वेट फॉर 2-3 डेज. टेक देम इमीडिएटली टू वेट. फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट द वुंड दैट वेयर इट हैज़ हैपेंड एंड हाउ सीवियर इट इज़ एंड ट्राई टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट दैट मतलब क्या क्या सिम्टम्स है और क्या देख के आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितना सीवियर है, उस हिसाब से अपने एक्शन लीजिए. बट जैसे कि कल हम सोचे नहीं थे कि वी नीड टू गो टू वेट. वी थॉट कि मॉर्निंग में वो खेल रही थी, वो खाना खा रही थी तो सब कुछ ठीक है, बट वही होता है क्योंकि उसको पेन था. सुबह शायद थोड़ी सी नींद से उठी थी तो पेन कम था, बट उसके बाद अगेन शी वॉज बैक टू दैट काम एंड डल स्टेट. अगर ऐसा कभी हमारे साथ पहली बार हुआ तो इसलिए हमें लगा कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए. और बस अभी कियारा टच वुड ठीक है, अभी कब देख सकते हैं खेल रही है. एंड नाउ आई थिंक दैट यस्टरडे वी टुक द राइट डिसीजन. वो इंजेक्शन लगे थे 3, मुझे बहुत बुरा लगा था, बट पूरे शाम भी वो बुम्बा के साथ थी और बुम्बा बोल रहा था कि वो उठ भी नहीं रही है, वो बिल्कुल सोई हुई है. बट लुक एट कियारा दिस मॉर्निंग and we also have peace of mind that we have taken all the required prevention and she is safe. बस
अब उसको तो मना नहीं कर सकते कि हनी बी के साथ मत खेलो, मुझे तो पता है 2 दिन नहीं जाएगी, 3 दिन के दिन वो फिर से जाएगी। कियारा को नहीं रोक सकते हम, कियारा इज अनस्टॉपेबल। और बैंगलोर में इतना हनी बी का प्रॉब्लम है, शाम के टाइम में थोड़ी सी भी लाइट ऑन करूँ तो घर पे आ जाते हैं कहीं कहीं से। अब गर्मी के टाइम सब कुछ बंद करके भी रहना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। मुझे नहीं पता कैसे बाद में हैंडल करूँगी, बट हाँ डेफिनेटली पहले से ज़्यादा केयरफुल रहूँगी। तो इसके साथ शुरू करते हैं आज का दिन। बन रहा है चाय, चाय बन गई क्या? बट बाई द वे आर लुकिंग हैंडसम इन दिस ब्लैक टी शर्ट विद दिस हेयर कट। ये टी शर्ट मैंने चॉइस की थी इसके लिए, दिस वॉज फ्रॉम सोल सांते, ये हमने सोल सांते से लिया था, अच्छा लग रहा है। चलो गाइज, आप लोग भी अपना संडे इंजॉय करो और हमारे साथ ये व्लॉग देखते रहो, हमारे साथ हमारे दिन का भी हिस्सा बन जाओ। और कियारा के लिए छोटे छोटे प्यार भेज देना मेरी नॉटी कियारा के लिए। हाँ, बेचारी जब ऐसे हुआ था ना तो क्यों मामा गिन्नी डर गए थे? मैं हंस के बोला हुआ क्या था कि उसके मामा ने उसको ऐसे गोदी में उठाया और गोदी में उठा के थोड़ी ही देर में उसने सुसु कर दिया। फिर वो बोल रही है कि देखो क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और फिर उसने पॉटी भी कर दिया। फिर क्या हुआ कि ये उसने मतलब क्यों ने मामा ने नहीं नहीं मामा ने नहीं पॉटी भी कर दिया। फिर दो सुसु पॉटी और ये ऐसे है। और फिर सीरीपा बोल रही है कि देखो देखो क्या हो गया, ये कोलैप्स कर रही है, कोलैप्स कर रही है। हां शी आर एक्चुअली गिवन अप। फिर वहां पे मैंने देखा कि हां शी हैज गिवन अप, शी इज नॉट मूविंग बट शी इज ब्रीदिंग प्रॉपर्ली एंड शी इज हर आईज आर ओपन एंड शी इज लाइक रिस्पोंडिंग बट नॉट रिएक्टिंग। अब देखो सिट डाउन। सो दिस इज द कियारा वी ऑलवेज वांट टू सी। कितनी भी बदमाशी करे, हमें परेशान करे, बट यही कियारा हमें पसंद है। कल वो जिस स्टेट में थी वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, हमें इतना सैड फील हो रहा था कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। चाइनीज 12:20 और अड्डाबाजी में मैं अभी तक एक भी खाना नहीं बनाई, बस दाल बिठाई थी प्रेशर कुकर में, वो हो गया उसके बाद, और एक भी खाना नहीं बनाया अभी तक। हम फ्लरी को देखो, क्या आराम से सो रही है। तो इतना सुबह से हम बैठे हैं और एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक में बात होते जा रहे हैं। मैं अभी तक कुछ खाना नहीं बनाने गई। अभी एक लिकर चाय और उसके साथ एक गर्मा गर्म क्या लिकर चाय गर्मा गर्म दुआ। इस चक्कर में आज मुझे प्रशंजीत बोल रहा था तो कि छोड़ दे आज खाना मत बना, कुछ बाहर से खा लेंगे। एक्चुअली हम रात को बाहर से खाएंगे क्योंकि हम जा रहे हैं मूवी देखने। आज वी आर गोइंग टू वॉच भारत टुनाइट, और इसलिए मैं बोल रही हूँ हाँ, और हिल्सा फिश लेके रखा है कि वीकेंड में बनाएंगे इस चक्कर में, तो मैं बना लेती हूँ। मुम्बा को दाल बहुत पसंद है ना, प्रशंजीत को दाल बहुत पसंद है, बेचारा 2 दिन तो घर पर खाता है अच्छे से, तो मैं दाल उसके लिए बनाती हूँ। जब तक वो रहेगा मैं हर वीकेंड दाल बनाऊँगी। तो चलो थोड़ा सा उठते हैं अड्डा छोड़ के और हिल्सा को बना लेते हैं। खाना बनाने गई थी 12:30 को और अभी टाइम हो गया है 1:50। खाना बन के रेडी है, बस राइस चलाऊंगी, चावल भिगो दिया है मैंने, और दिखा दी हूँ आज क्या क्या बनाया है मैंने। आज बनाया है मूंग दाल विद गोभी, दाल के साथ खाने के लिए कुछ फ्रायम्स पापड़, और इसको हम बंगाली में बोरी बोलते हैं, दीज आर वो जो दाल होते हैं उसके डम्पलिंग्स। एक्चुअली ये है हिल्सा, इसका मैंने 2 प्रिपरेशन बनाया है आज हाफ हाफ करके। दिस इज विथ सरसों पॉपी सीड एंड कर्ड, उसका वाइट ग्रेवी। एंड दिस इज हिल्सा का झोल विच इज़ विथ काली जीरा एंड बैंगन, और उस पर भी मैंने थोड़ा सा दाल का जो डम्पलिंग्स है बोरी वो डाला है। तो ये है आज का प्लेन एंड सिंपल लंच। हिल्सा दीपांजन की बहुत फेवरेट फिश है, मेरी उतनी भी क्रेविंग नहीं है हिल्सा के लिए क्योंकि उसमें बहुत पतले पतले बोन्स होते हैं, बट दिस गाय लव्स हिल्सा। की कोर्चो एंड दीज टू बेबीज आर नॉट इन अ मूड टू वेक अप टुडे। फ्लरी तो घोड़ा बेच के सो रही है, कियारा भी, इतना टाइम मैंने खाना बनाया, कियारा एक बार के लिए नहीं आई, ऐसा कभी नहीं होता है। अभी नहाएंगे, तुम लोग कब नहाओगे?
अभी नहाएंगे, खाना खाएंगे, और आज जब तक मूवी है बहुत लेट नाइट, मूवी इज अराउंड 10 o'clock, तो उसके पहले हम डिनर करने के लिए 1.5 घंटा पहले निकल जाएंगे, मॉल में ही डिनर करेंगे फिर मूवी देखेंगे, बट तब तक हम घर में ही चिल करेंगे, कल हमारा बहुत हेक्टिक गया है, आज हम पूरा घर पे चिल करेंगे। हे गाइस, डन विद द लंच। लंच कैसा था बुम्बा? अच्छा था लंच, वो तो वो प्रिपरेशन था दिलचा का, हाँ आउटस्टैंडिंग था। बुम्बा को खिला के बहुत मजा आता है, वो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं। और अभी फ्लरी और कियारा का खाने का टाइम है दोपहर को, और आज मैं दोनों को ही दे रही हूँ ये बीफ और लैक्टोल। द वेट वी विजिट उनके पास मिलता है, आई थिंक ऑनलाइन भी मिलेगा। ये कल हम फिर से लेके आए हैं फॉर कियारा, क्योंकि हमें लग रहा था ये इंजेक्शन विंजेक्शन के बाद वो खाना खाना चाहेगी भी कि नहीं। ऐसे वो नॉर्मल खाना खा रही है, बट ऐसे थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए उसको आज ये मैं 2 स्कूप लूँगी और गर्म पानी के साथ मिला के दोनों को दूंगी। यही है आज दोपहर का खाना, क्योंकि सुबह दोनों ने ही लेट खाना खाया था, तो अभी इसलिए और मैं हैवी खाना नहीं दे के दूध दे रही हूँ। और ये पपी मिल्क ही है, सो यू नीड नॉट टू वरी दैट लाइक योर डॉग इज लैक्टोज टॉलरेंट और नॉट, क्योंकि ये पपी मिल्क है तो दिस इज स्पेशली मेड फॉर डॉग्स। अच्छा था मामा, अभी भी चाट रही है, बहुत अच्छा था। डुडू हाँ, कैसा लगा डुडू, कैसा लगा क्यू को डुडू? इट्स 8:30 नाउ, गॉट रेडी, वी वर वॉचिंग इंडिया का मैच और उसके साथ बंगाल का कुछ न्यूज़ भी हम सुन रहे थे, जो कि आज कुछ हुआ है बिटवीन बीजेपी एंड टीएमसी, विच इज़ अ वेरी सिचुएशन इज गेटिंग वर्स देयर, तो हम वो न्यूज़ भी सुन रहे थे और उसके साथ मैच भी देख रहे थे, तो थोड़ा लेट हो गया, बट इट्स ओके, 10 o'clock का शो है, घर के एकदम पास है, तो हम जाएंगे फटाफट कुछ खाएंगे, पेट भी काफ़ी फुल है, खाने का उतना जगह नहीं है। सो फ्लरी कियारा इज गोइंग टू बी अलोन। मामा क्या कर रहे हैं दोनों मिलके, मैं क्या बोलूँ, एंड आई एम वेयरिंग दिस वेरी सिंपल ब्लैक टॉप, कोल्ड शोल्डर टॉप, ताकि मूवी हॉल में ना मुझे कुछ देर बाद थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगती है, तो ये टॉप एक्चुअली गर्मी भी नहीं लगेगी, ठंड भी नहीं लगेगी। एंड आफ्टर रियली रियली लॉन्ग आई एम वेयरिंग दिस कलरफुल ट्राउजर, कभी हुआ करता था, मुझे बहुत शौक था तो मैंने बहुत सारे कलरफुल ट्राउजर्स लिए थे, बट मैं उतना पहनती नहीं हूँ, आज बहुत दिनों के बाद पहन रही हूँ। और उसके साथ स्टार्टर में हमने लिया है हनी चिली प्रॉन और सेजवान चिकन इन ग्रेवी, हाँ सूप तो है। बैक होम वो तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि अपने घर के बिस्तर में हम सब लेटे हुए हैं और यहाँ पे चल रहे अटैक, बहुत बड़ी अटैक हो गई है मुझ पे। मामा जीजू, दीपांजन आ गया है पानी का बॉटल लेके, भूमा यहाँ पे बैठा है, हम कुछ देर अड्डा मारेंगे। और अभी टाइम क्या हो रहा है बताती हूँ, टाइम इज 1:30 और मूवी अच्छा था, वन टाइम वॉच, ऐसा कुछ खास नहीं है मूवी में, बहुत ही सिंपल एंटरटेनिंग मूवी है, दैट्स इट, और कुछ खास नहीं लगा, बट हाँ थोड़ा सा हम ढूंढ ही रहे थे कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, तो ठीक है।
अरे इतने अंधेरे में भी फ्लरी का टमी पूरा पिंक लग रहा है. क्यों यार मेरी देसी मुंडी देसी कुड़ी देसी कुड़ी देसी कुड़ी रे गोरी औरत औरत. अरे देसी कुड़ी क्या कर रही है? फ्लरी बहुत रेयरली किसी करती है, बहुत रेयरली करती है. अभी कर लेगी. की कोच हो काट रही है. क्यों क्यों एक्चुअली बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हम लोग बहुत देर बाद आए ना, तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड. फ्लरी को हमारे पास नहीं आने दी. देसी कुड़ी है ना तो उसका एक्साइटमेंट ना वो संभाल नहीं पा रही है. देखो फ्लरी जहाँ पे सोई थी वहीं आके सोएगी और वहीं करेगी. फ्लरी को नहीं आने दीजिए. भूमा तो ऊपर चढ़ के भी बैठ सकता है. ऐसे लोग क्या सोचेंगे कि हमने तुझे ठीक से बैठने भी नहीं दिया है. गाइस ऐसा बात नहीं है, ये बैठने से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, फील होता है. ये कैसा बैठना है मैं दिखाती हूँ कैसे बैठा है. इतना पता नहीं ऐसे बैठ के ऐसे बैठ के कौन सा उसको फील और मजा मिलता है मुझे नहीं पता. अच्छा लगता है. मूवी कैसा लगा? मूवी अच्छा था, ठीक है, मगर बहुत इमोशनल ड्रामा था. मगर वो उतना भी नहीं चाहिए था. मगर वो जो सुनील ग्रोवर का एक्टिंग है और सुनील ग्रोवर का जो बचपन का जो जो चाइल्ड कैरेक्टर जो प्ले किया वो ऑसम. अच्छा डिनर कैसा था बता? हाँ डिनर अच्छा था और जो प्रॉन था वो हनी चिली प्रॉन वो सही था. ओके गाइस सो I'll call it a day and I'll also end this vlog here. I hope that you guys enjoyed watching this one. In case you have, hit the like button, subscribe and do share this video with your friends and family. And kiara ke insect bite ke bare mein jo bhi information thi maine share kiya. Agar aapko aur bhi kuch detail mein jana hai ya main kuch miss kar gayi hu to please comment section mein puchna. Aur bas to vlog ko yahan pe end karti hu. Take care, stay happy, bye, good night. Bye, good night. ए बाय बाय बोलेगा तुम ना बेबी. मम्मा भी गुड नाइट बोल दो. बेबीज गुड नाइट कर दो. मम्मा वाज आल्सो सेइंग मम्मा गुड नाइट कर दो. तो सबको गुड नाइट. गुड नाइट कर दो. यस हाथ उठा दो. गुड नाइट. गुड नाइट. आ आ थैंक यू. दिस टू